हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, और आपके साथ मैं हूँ ज्योत्सना पाटनी। कोरोना के शोर ने लोगों को सेहत का ख्याल रखना तो सिखा दिया है, और ज्यादातर लोग अब रेगुलरली अपना बीपी शुगर लेवल टेस्ट करने लगे हैं, इस पर नजर रखने लगे हैं। लंग्स, लिवर, किडनी और हार्ट की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए योग और प्राणायाम भी करते हैं। बिजी लाइफ होने के बावजूद अपनी सेहत के लिए वक्त निकाल रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है। और बिल्कुल सही आपने कहा भी है मीनाक्षी, जिंदगी और मौत को करीब से देखने के बाद सेहत को लेकर सीरियसनेस ये जरूर बढ़ गई है लोगों की, लेकिन अब भी ज्यादातर लोग कोरोना और उसके लॉन्ग इफेक्ट के ख्याल से ही फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। कंप्लीट हेल्थ की बात अभी भी अधूरी है। आज सुबह की बात कर ले तो लिफ्ट में मुझे एक ऐसे शख्स मिले जिनकी उम्र 80 पार थी, लेकिन वो धीरे धीरे जॉगिंग करते हुए अपने आप को आगे बढ़ा रहे थे। इसी से आप ये समझ लीजिए कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर कितने कॉन्शियस हो गए हैं। बात आप भी एकदम ठीक कह रही हैं। अब नसों को ही आप ले लीजिए, आपने बहुत कम लोगों से सुना होगा कि वो नर्व वेन्स को स्ट्रांग बनाने के लिए कोई एक्सरसाइज करते हैं, जबकि हमारे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और वेन्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जरा सी लापरवाही परेशानी दे सकती है, और यही कारण है कि जो लोग घंटों खड़े होकर या फिर कुर्सी पर बैठकर या एक पोस्चर में काम करते हैं उन्हें वेरिकोज वेन्स की शिकायत हो जाती है, जिसमें पैरों में भयंकर दर्द और जलन रहती है, पैरों की नसें सूज जाती हैं, रस्सियों की तरह नीली नसों की गांठें साफ साफ नजर भी आने लगती हैं। दरअसल होता क्या है ये आपको समझाते हैं। वेन्स ब्लड को हार्ट तक ले जाती है, और इसमें वेन्स के अंदर फिट वॉल्व उनकी मदद करते हैं। जब वेन्स के वॉल्व कमजोर हो जाते हैं तो ब्लड रुकने लगता है और वॉल्व के पास जमा होने लगता है, जिससे वेन्स फूल जाती हैं और नसों के गुच्छे बनने लगते हैं। मीनाक्षी, इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं, वेरिकोज वेन्स की जो परेशानी है वो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में होती है, और इसकी वजह से कई बार हाइपरटेंशन, हाई हील्स पहनना वो कारण माने जाते हैं जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। पेल्विक एरिया में एक्सेस फैट होने के कारण भी महिलाओं को ये समस्या ज्यादा होती है। तो बीमारी क्या है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाएं ये समझना जरूरी है। तो चलिए, सर्जरी की नौबत ना आए इसके लिए योग और आयुर्वेदिक उपाय आजमाएं। सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आपको डैमेज नसों को क्योर करने के उपाय बताने हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आज जो है हम इस बहन के पैर अभी जितने हिस्से करीब 1.5 गुने मोटे थे, और इसकी जो है नसें फूल फूल करके ऐसे रस्सी जैसी हो गई थी। मीनाक्षी है इसका नाम भी। हमारी मीनाक्षी है। मीनाक्षी और ज्योत्सना जी हैं। अभी कितना आराम है बेटा तुमको? मुझे बहुत आराम है। 11 साल से नसें फूली हुई थी। 11 साल से? हाँ, लीज थेरेपी से एकदम ठीक हो गई, और मिट्टी मिट्टी लगाने से सूजन भी पूरी ठीक हो गई थी। इसके पैर अभी जितने देख रहे हो इससे 1.5 गुने तक हो गए थे, और मोटी मोटी नसें हो गई। और डॉक्टर ने बोला था नसें निकाल दो, लेकिन मैंने कभी भी डॉक्टर के पास मैं गई नहीं, और मैं स्वामी जी के साथ योगा करती रही घर में ही, और ऑयल लगाती रही। हाँ, वो भी अच्छी हो गई है। ये जो लीज थेरेपी है ये तो ऐसे लगाते हैं पैर में, और इसके साथ साथ ये दूसरा एक कार्यक्रम है जिसमें ऐसे टचिंग करके फिर पफिंग करते हैं, इसको अलाबू कहते हैं। हमारे जो है डॉक्टर इंद्रपाल गोयल जी और हमारे बहुत पुराना थेरेपिस्ट है, क्या नाम है? रमेश। हल्का हल्का करो, हल्का सा करते हैं, और ये पैर से लेकर के और यहाँ कमर तक जो भी हमारी वेन्स में जो आप बता रहे थे कि हार्ट की ओर ब्लड लेकर के आती हैं, और उसको निकाल देते हैं गंदे खून को, और वो नसें अपने आप फिर लेवल में आ जाती हैं ऐसी पूरी। अब ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इसकी बड़ी महिमा है। और इसको अब बाद में जब ये हटा देते हैं, थोड़ी देर में हटा देना भाई, हटाने के बाद में इसमें हल्दी लगा देते मात्र। अब एक छोटी सी थेरेपी और बताते हैं। इन माताओं की भी बुरी हालात थी, और अब इसको तो नींद तक नहीं आती थी, इसके पास आएंगे। इन माँ के तो पैर इतने सूज गए थे और इस एकदम बुरे हालात अभी भी आप देख रहे हैं, ऐसे काले पड़ जाते हैं, नसें नीली पड़ जाती हैं, यहाँ पूरा फूल गया था और पूरा लाल पड़ गया था।
तो मकई के जो रेशे होते हैं, बाल होते हैं, उनको जो है पिया और अब इसको ये मिट्टी लगाते हैं पैर में, ये मिट्टी लगाते हैं, लगा दो बेटा, और इसको तो पूरे कोई पोत दो पूरे शरीर पर ये मिट्टी का जो लेप लगाते हैं, करीब आधा इंच का मिट्टी का ये लेप लग जाता है। इसमें एलोवेरा मिला देते हैं, एलोवेरा, हल्दी, नीम, साथ में ये भी पूरी लगा देते हैं। ये एलोवेरा है, आप देख रहे हो, ये पुनर्नवा है। एलोवेरा, पुनर्नवा, हल्दी और नीम पत्र ये मिला करके मिट्टी में लगाते हैं। तुम्हारी तो क्या हालत थी? मेरी बहुत पेन थी, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे को डॉक्टर ने कह दिया था आपका नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो अब मैं, मेरे को 25 साल से 96 में, अभी यहाँ पे आज 4 दिन हो गए। हाँ, मेरे को 50% फर्क है, 50% जो मसाज इनको सही रात रात दबाना पड़ता था, और डॉक्टर ने कह दिया था कि इनको जीवन भर तक इनका दर्द कभी भी ठीक नहीं होगा, और इनको ये गले में एक वो भी हाइटस जिसकी वजह से खाना। मेरा नाम मौज धारा, मौज धारा, रात भर पति पत्नी की सेवा करता था लेकिन अब ये, अब नींद आ गई, अब 3 दिन से सो रही है, 3 दिन से सो रही है, 25 साल से परेशान थी। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये स्वामी जी की भी हालत थी तुमको? देखो मतलब 10-11 साल से है दर्द, मतलब रहता था 10-11 साल से। थायराइड भी था मेरे को उसके बाद में, ये इसका भी। स्वामी जी, ये लोग बहुत लकी हैं कि ये वहां पर आकर अपना उपचार करा पा रहे हैं, क्योंकि कई सारी थेरेपीज तो आपने ऐसी बताई जो किसी ना किसी मार्गदर्शन में ही कराई जा सकती है, लोग अपने आप घर पर नहीं कर सकते। लेकिन वेरिकोस वेन्स के उपचार के लिए एक सिलसिलेवार तरीके से हम आपसे समझना चाहते हैं कि वो कौन कौन से योगाभ्यास है जो नसों को मजबूत बनाए, और वेरिकोस वेन्स की अगर समस्या हो गई है तो उसे वो निजात दिला दे। तो देखो, इसके लिए एक तो ये थेरापियाँ चल रही है, बाबा जी को तो उधर हटा दिया है वो अलाबू, दूसरा भी हटा दो भाई, कितना खून निकालोगे तो ये सबसे अच्छा था इसके लिए शीर्षासन। तो आप में से भी ज्योत्सना जी तो शीर्षासन कर लेंगे, मीनाक्षी जी सर्वांगासन कर लेंगे, और आज हम ये बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे उपायों से, मात्र मिट्टी का लेप करने से, एक्यूप्रेशर करने से, अलाबू लीच थेरापी करने से, और एक बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे 100 साल तक कभी भी वेरिकोज वेन्स नहीं होगा, क्योंकि मैं शीर्षासन करता हूँ। जो शीर्षासन करते हैं, जो शीर्षासन नहीं कर सकते वो जो सर्वांगासन करते हैं, जो शीर्षासन और सर्वांगासन भी नहीं कर सकते वो जो हलासन करते हैं, 2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक एक आसन को, ये पूरा थेरेप्यूटिक प्रैक्टिस का इसका टाइम है। शीर्षासन, सर्वांगासन, सर्वांगासन भी जो नहीं कर सकते तो अर्धहलासन, इतना ही कर ले, और जो पूरा कर सकते हैं तो पूरा कर ले ऐसे। ये तो आज तो ये पेड़ भी बहुत खूबसूरत है, लंबे लंबे श्वास। एक आसन को 1 से 10 मिनट करना होता है, और यही योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की पूरी हमारी जो प्रैक्टिस है, इसको अब हम पूरे राष्ट्र में विस्तार दे रहे हैं पतंजलि वेलनेस के माध्यम से। अभी इस महीने करीब हमारे 50 सेंटर लगभग ओपन हो जाएंगे, और कोशिश हम जगह जगह, जैसे आप कह रहे थे अपने घर में नहीं ले सकते तो पूरा नहीं कर सकते सर्वांग आसन, तो आधा कर ले ऐसे, ये अर्धहलासन इतना करने से, और जो ये नहीं कर सकते वो ये कर ले अनुलोम विलोम, और इससे अनुलोम विलोम और कपाल भाति अनुलोम विलोम, और ये पैरों को ऐसे आगे पीछे दबाना, इससे वेरिकोज वेन्स पहले ही दिन से नियंत्रित। तो आप देख रहे 25-25 साल पुरानी ये माताएं बहने, चलो अब आगे पीछे दबाओ, 25-25 साल पुरानी अपनी प्रॉब्लम, जिनके पति 10-10-20-20 साल से इनकी चरण सेवा कर रहे थे, पुण्य कमाएंगे सारे, अब वो पति खुश है कि अब ये हमारी चरण सेवा कर रही है,
अब कर रहे हैं ना, हाँ अब वो बदला उतार रही है आप भी दबाती है तो आगे पीछे ऐसे करना, ये करने से, ये करने से। और मैं कह रहा था ये हमारे पूज्य स्वामी विदेह देव जी, ये तो पूरा अब आशीर्वाद लेके लग जा अपनी सेवा में। ये पूरा पतंजलि वेलनेस के 1000 सेंटर हमें अभी एक साल में खोलने हैं, एक बार जोरदार इनका अभिनंदन हो जाए। अब ये जाओ बेटा, अब ये पूरा पूरे देश में हम ये सेंटर खोल रहे हैं, आपके पड़ोस में भी आ रहे हैं, नोएडा में भी, मोदीनगर में भी आ रहे हैं, क्या बात, मुरादाबाद में खोल दिया, राजकोट में, पूरे देश में ये छोटी छोटी थेरापिया। अभी जैसे भाई को ये पूरा भूत प्रेतनाथ बना दिया है, अब लोगों को खाली छोटी सी बात है कि मिट्टी का लेप लगाना कैसे है, ये लगा करके अब इसको बैठा दो, और बैठा करके फिर ये बैठा बैठा बस कपाल भाती करेगा, भस्त्रिका करेगा। अब ये करके, अब ये इतना सा खाली, ये देखो छोटी सी पांच चीजें, सर्वांगासन, हलासन, अर्धलासन, पैरों को आगे पीछे ऐसे दबाना, और ये पॉइंट दबा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 हाथ में भी, 1 2 3 4 5 6 7 ये जो पॉइंट है ये दबा देते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ दोनों तरफ से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, इधर से, ये और ये, और साथ में ये, इतने पॉइंट दबाने से और ये छोटी छोटी प्रक्रियाएं करने से, कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ साथ इसके लिए ब्लड का सर्कुलेशन जिससे अच्छा होता हो। चलो खड़ी हो जाओ सभी, अब खड़े हो करके, आप तो बैठ करके कपाल भाती। स्वामी जी, ये जो पॉइंट्स आपने बताए ये भी बता दीजिए कि इसका असर कितनी देर करने से होता है, क्योंकि केवल थोड़ी देर करने से तो नहीं होता होगा, इसके लिए कितना मिनट देना चाहिए, और क्या ये इंस्टेंट रिलीफ का उपाय है? एक जगह है, 1 से 2 मिनट दबाया जाता है। अब मैं आपको ये पूरा 100% एफिकेसी लेने के लिए बता देता हूँ, योगासन 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक, प्राणायाम 5 मिनट से लेकर के असाध्य रोगों में 50 मिनट तक, यज्ञ 1/2 घंटा, और अलग अलग जो थेरापियाँ हम बताते हैं, शिरोधारा से लेकर के अक्षी तर्पण से लेकर के अभ्यंग आदि से लेकर के, ये मिट्टी का लेप, ये 1/2 घंटा, और औषधियों की भी मात्रा होती है, पूरी एफिकेसी 100%। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, जिनसे भी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, जिनसे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा वो सारी वेरिकोज वेंस में योगिक एक्सरसाइजेज फायदा करती हैं। जो सूर्य नमस्कार करेंगे और जो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन आदि जीवन में करेंगे उनको तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं, लेकिन फिर भी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, ये अभ्यास करते करते हम ये बताना चाह रहे हैं, अब औषधि के तौर पर कैशोर गुग्गल, चंद्र प्रभावटी, और जिनको बहुत अधिक दर्दे हैं, यूरिक एसिड भी साथ में बढ़ा हुआ है, तो कैशोर गुग्गल के साथ साथ गोक्षरादि गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, इतनी औषधि हम देते हैं। और सुबह सुबह गोधन अर्क यदि कोई पी ले, ये गोधन अर्क तो रामबाण है, ये गोधन अर्क सुबह सुबह खाली पेट पी ले तो पूरे बॉडी को क्लीन कर देता है। और ये छोटे छोटे उपाय एक्यूप्रेशर से लेकर के मर थेरापी से लेकर के ये अलाबू रक्तमोक्षण जो चल रहा था बाबूजी को हटा करके और उस पर हल्दी लगा दी गई, और अब पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आर्टरीज, वेंस, सब के सब, आर्टियोल्स, कैपलीज, माने पूरा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर ले, प्राणायामासन, ऊर्ध्वहस्तासन, पादहस्तासन, और इसमें खास होता है पुनर्नवा। ये जो आप पुनर्नवा मेरे सामने देख रहे हो ये पुनर्नवा साठी बोलते हैं, अब साठी के हमने पकोड़े भी बना के खिलाए थे, साठी का जूस भी पिलाते हैं, साठी का काढ़ा भी बनाते हैं पुनर्नवा का। ये जो पैरों में सूजन और नसों, उस नसें सूज जाते हैं, रस्सी जैसी हो जाती हैं, वो भी अच्छी हो जाती हैं। आज पुनर्नवा का क्वाथ और साथ ही बादाम और अखरोट, इसको भिगो के तो पीना ही है,
इसका सुबह सुबह हलवा खा ले दो चम्मच, तो ये वेरिकोजवेंस में जबरदस्त लाभ करता है। फिर हमने जैसे मकई के रेशे किडनी के लिए तो बताए ही थे, वो ब्लड के सर्कुलेशन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। और कॉर्न जो है मकई, हमारे ब्रेन नर्वस सिस्टम और ब्लड के सर्कुलेशन के लिए मकई भी बहुत अच्छी होती है। हमने कॉर्न हल से ही न्यूट्रिला B12 तैयार किया है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए और इम्यूनिटी के लिए ज़बरदस्त होता है। उसके जो रेशे हैं उनका भी काढ़ा जो है, जैसे माता ने बताया, आपके सामने बैठी हुई है और अभी भी कपालभाति और अनुलोम विलोम कर रही है, उनके पैरों को हमें पूरा अच्छा कर देना है। रोज मिट्टी का लेप करना है माता आपको, और उसमें क्या मिलाना है, एलोवेरा, हल्दी और नीम, आपके पूरे पैर क्लीन हो जाएंगे। अब बताओ, ये छोटी छोटी बातें, तो ये इस तरह से थोड़े से आसन खड़े हो करके, फिर थोड़े से आसन बैठ करके करने वाले आसनों में ये जो पद्मासन होता है, ये भी जो ब्लड का सर्कुलेशन है, अब पैरों की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है, तो पद्मासन में बैठ करके, जो पद्मासन में ना बैठ पाए फिर वो सुखासन में बैठ जाएं, पद्मासन में बैठ करके और फिर प्राणायाम करें, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये तीन मुख्य प्राणायाम, बाकी सहयोगी प्राणायाम, कुल 15 प्राणायाम हम बताते हैं। इसके अलावा जो है पैरों को आगे पीछे खींचने के अलावा बटरफ्लाई करें, ये भी बहुत अच्छी है जिनको भी वेरिकोजवेंस की प्रॉब्लम है, और उनको मकरासन से लेकर के उल्टे लेट करके मकरासन से लेकर के, और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, मरकटासन, ये बात ही जबरदस्त है। बिल्कुल स्वामी जी, एक बार अभ्यास बताते बताते पूरा इलाज मैंने बता दिया है। अच्छा स्वामी जी, ओबिसिटी भी वेरिकोज वेन्स होने का एक कारण बनती है, ऐसे में वेरिकोज वेन्स को क्योर करने से पहले वेट कंट्रोल करना कितना जरूरी है और कैसे किया जा सकता है? वेट को कंट्रोल करना तो वेरिकोज वेन्स से लेकर के घुटने कमर के दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के और डिप्रेशन तक, इंसोमनिया तक, तमाम तरह के रोग, यहाँ तक कि कैंसर का भी एक बड़ा कारण ओबिसिटी है। इसलिए कुछ बीमारियों की मूल जड़ें हैं और जड़ से बीमारियों को उखाड़ने के लिए जड़ों तक जाना जरूरी है। भुजंगासन, तो सब बीमारियों की जड़ है मोटापा, सब बीमारियों की जड़ है योग न करना, सब बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस, तो सब बीमारियों की जड़ है गलत आदतें, गलत खान पान, गलत दिनचर्या, तो इसलिए कुछ चीज़ों को तो हमें ठीक करना ही पड़ेगा। ये मकरासन, ये भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके 25-50 बार, 100 बार तक हम लेके जाते हैं। फिर ये सलभासन, ऐसे ये सलभासन एक एक पैर से एक एक दो दो मिनट अवश्य करवाएं, और मैंने कहा विशेष परिस्थितियों में एक एक आसन 10-10 मिनट तक भी कराते हैं, और मरकटासन करवा दिया। तो ये तो इसका पूरा पैकेज हो गया। और जो आपने बताया अभी मोटापा के लिए 5 मूल अभ्यास है, ऐसे तो हम बता रहे थे भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जायी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, कर्ण रोगांतक, अभ्यंतर, जो 15 प्राणायाम है, ऐसे ही एक एक बीमारी के लिए हम 5 से 15 अभ्यास बताते हैं। तो शॉर्ट में वेट कम करने के लिए एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे अर्धलासन, पाद वृत्तासन, पूरा बड़ा शून्य बनाना ऐसे, और एक एक पैर के बाद फिर दोनों पैरों से बनाना, ये अभ्यास हम 25-50-100 बार करा देते हैं और एक दिन में ही 1 से 2 किलो वजन घटा देते हैं। इसके लिए भी मेदोहर वटी, पुनर्नवादि मंडूर, गोधन अर्क और अश्वगंधा के पत्ते और दालचीनी की चाय बड़ा शून्य बनाते हैं ऐसे, और लौकी का कल्प करवा देते हैं, उनको मिट्टी का लेप लगाते हैं, उनको प्लास्टिक की पन्नी में मुंह को छोड़ करके पूरा बांध देते हैं और उनको आधा से 1 किलो पसीना निकलवाते हैं, फिर उनको मसाज करते हैं, फिर उनको स्टीम देते हैं, एक दिन में ही हम 2 किलो वेट कम कर देते हैं, एक एक पैर से, दोनों पैरों से अर्धहलासन, पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन, अर्थात
पैरों को ऊपर नीचे उठाना, पैरों को गोल गोल यूं घुमाना और फिर साइकिलिंग करना। तो ये जो अभ्यास हम बता रहे हैं इनको 25-50 बार तक करवा देते हैं, 100-100 बार तक करा देते हैं। थोड़े दिनों के लिए घी मीठा बंद कर देते हैं, अनाज भी कम कर देते हैं। तो एक दिन में हम एक एक दो दो किलो तक वेट कम कर देते हैं और यहाँ सबका हम कम करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्शन, किसी का थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था तो भी 3 अभ्यास तो ये लेट करके और 2 अभ्यास ये बैठ करके। चलो ऐसे कर लो, ऐसे ये लंबे लंबे श्वास। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने बताया भी था कि इंडिया टीवी पर जो हम ये पैकेज बताते हैं अलग अलग बीमारियों के लिए, क्योंकि 100 में से 99 आदमी किसी न किसी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी से लेकर के ओबिसिटी से लेकर के और वात पित्त कफ किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ स्वामी जी आप तो योगाभ्यास बता ही रहे हैं करके योग, लेकिन कुछ चीजें जो है आदत में अगर शामिल कर लें तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा रहेगा। अब आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि पोस्चर, सही पोस्चर क्या होना चाहिए, क्योंकि वेरिकोज की बड़ी वजह गलत तरीके से उठना, बैठना, लेटना भी बन सकता है। तो सही पोस्चर क्या होना चाहिए? तो देखो ओबेसिटी के लिए बता दिया, सही पोस्चर यह है, सोने का सही पोस्चर तो शवासन है ऐसे। अब इसमें गलत पोस्चर क्या है, लोग सोते समय ऐसे सोते हैं, लोग सोते समय ऐसे सोते हैं, इस तरह से सोते हैं, ऐसे सोते हैं, सीधे सोते सोते फिर ऐसे ऐसे करवट लेते हुए ऐसे हो जाते हैं। अब ये गलत पोस्चर है, ये भी गलत पोस्चर है। सोने का सही तरीका करीब 2 इंच का तकिया रहे, घुटने पर घुटना ऐसे रहे, ऐसे सीधे सोएं, ऐसे साइड में सोएं अथवा ऐसे सीधे सोएं, उल्टे सोना हो तो ऐसे सोएं, ये सही तरीका है। सोना थोड़ा सा हल्का सा पैर ऐसे भी ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ऐसे इसको। स्वामी जी ये तरीका सबके लिए है या फिर जो वेरिकोज वेन से पीड़ित हैं खास आसन के लिए? बाला आसन कहते हैं। तो देखो सोने के और बैठने का तरीका ऐसे बैठे। अब खड़े रहने का तो एक जैसा दोनों पैरों पर भार हो, ज्यादातर लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ऐसे खड़े, एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे। और लड़कियों की आदत तो ज्यादा खराब होती है। और जी जी स्वामी जी बताएं। और एक बात और बताता हूँ, जैसे मैंने देखा जब आपको लंबे समय तक खड़े रहना है तो आप खड़ा ऊपर ना खड़े रहे, फिर आप जो या तो नंगे पैर खड़े रहे। आपको हिल्स वाली एड़ी वो बड़ी दिक्कत करती है फैशन के चक्कर में, किसी की हाइट छोटी होती है तो हाइट बड़ी दिखाने के चक्कर में, मैंने 2-2, 2.5-2.5 इंच की हिल्स वाली एड़िया बहुत ही मुश्किल है चल पाना। 6 इंच क्या आने लगे? स्वामी जी मैं तो कभी कभी 6 इंच की भी पहन लेती हूँ, ऐसा मत कहे, डराए मत। तो देखो ये बड़ी हिल वाली जो जितने भी है, कभी एक आधी बार घंटे आधे घंटे के लिए पहन ली तो अलग बात है, ये जो दिन भर ऐसे इधर उधर मंडराते रहते हैं ये पहन करके वो ठीक कार्यक्रम नहीं है। सीधे बैठना चाहिए, ऑफिस में भी बैठे तो सीधे बैठना चाहिए, मिट्टी लेप लगा करके भी सीधे बैठो भाई साहब, आप कमर टेढ़ी हो गई है, हाँ सीधे बैठो और आप कपाल भाती करो ऐसे। अच्छा स्वामी जी, क्योंकि पोस्चर की बात हो रही है, खड़े होने के तरीके की बात हो रही है, पैरों की मजबूती की बात हो रही है, तो वेरिकोज वेन्स की परेशानी सबसे ज्यादा पैरों में होती है, कई बार योग अभ्यास करना मुश्किल हो जाता है, तो क्या सिर्फ ये प्राणायाम से भी ठीक हो सकता है? हंड्रेड % केवल कपालभाति और अनुलोम विलोम, कपालभाति अनुलोम विलोम करो, कपालभाति अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम और ये 2-3 सूक्ष्म व्यायाम, ये हाथों को ऐसे ऐसे घुमाना ऐसे ऐसे, ये 2 हाथों के और 2 पैरों के ये अभ्यास ऐसे आगे पीछे करना, 100 बार ऐसे आगे पीछे करना है, 100 बार ऐसे आगे पीछे करना, ऐसे गोल गोल घुमा लिया और ऐसे बटरफ्लाई कर लिया,
और खाली प्राणायाम कर लिया, इससे भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। खाली सुबह उठ करके ये गोधन अर्क पिए, गिलोय पिए, गिलोय गोधन अर्क और एलोवेरा, तुलसी, लहसुन, ये बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह 2 कली लहसुन के लेनी चाहिए और आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, हल्दी, गिलोय, ये तो हम बताते ही हैं, लेकिन इसमें जो जब दर्दें ज़्यादा हो जाती हैं तब आंवला बंद कर देते हैं। बाकी आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, हल्दी, गिलोय, तुलसी और लहसुन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम्स में, आप देख रहे हो यहाँ 25-25 साल पुरानी जो प्रॉब्लम थी इनकी वो हमने दूर किए, तो उसमें ठीक है, थोड़ा इनको बस्ती भी कराते हैं शुद्धिकरण के लिए, शंख प्रक्षालन भी करा देते हैं, वो बस्ती क्रिया भी बहुत लाभ देती है। मैं कह हमेशा मैं बोलता हूँ, कोई भी जो रोग पैदा होते हैं वो मूलाधार और सहस्रार चक्र की गड़बड़ी से होते हैं। तो कपालभाति से मूलाधार, अनुलोम विलोम से सहस्रार, सहस्रार से हमारे विचार पैदा होते हैं और विचारों में विकार आ जाए तो सब रोग पैदा हो जाते हैं, और मूलाधार से सारी वासनाएं पैदा होती हैं, सारी कामनाएं पैदा होती हैं, हम काम निष्काम हो जाएं और वासना से उपासना में हम लग जाएं तो सारे रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े सिद्धांत हैं, इसलिए कपालभाति अनुलोम विलोम मात्र 2 प्राणायामों से हम वेरिकोज वेन्स से ही नहीं और भी तमाम रोगों से मुक्त हो जाते हैं, अष्टचक्र द्वार हमारे जागृत हो जाते हैं, देह दिवालय शिवालय बन जाता है और हम रोग मुक्त होकर के और सब प्रकार की दिव्यताओं से युक्त होकर के जीवन में पूर्णता पाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, रोग मुक्ति ये तो पहला स्टेप है योग का। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा, अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन जी, अचीवमेंट ऑफ डिवाइन नॉलेज, डिवाइन इमोशंस, डिवाइन एक्शन एंड यूनिटी विद ऑलमाइटी, ये है योग का बड़ा लक्ष्य। तो योग करते करते निरोग तो होते ही हैं, जीवन को सच्चे अर्थों में हम समझते भी हैं, अनुभव करते हैं और कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुवेनेशन करते हुए बातें आप बताते हैं, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम अपना कर लेते हैं कपालभाति अनुलोम विलोम से, ये बड़ी बात है। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं स्वामी जी, लोग अगर इन बातों में से कुछ इसका सार समझ लें, कुछ 2 बातें ही समझ लें तो बहुत लाभ उनके जीवन में हो जाएगा। और ऐसे इसलिए बहुत सारे लोग हमें हर रोज सवाल भेजते हैं क्योंकि वो आपसे चाहते हैं कि आप उनका जवाब दें और उनकी इन परेशानियों को दूर करें। तो ऐसा ही एक सवाल भेजा है स्वामी जी मंगल सिंह धनावत ने, उन्होंने कहा है कि उनकी पत्नी की उम्र 50 साल है और 80% परेशानी उनकी कम हो गई है योग और आयुर्वेद से ही, लेकिन अब भी उनके पैरों में व्हाइट पैचेस रह गए हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मंगल सिंह जी का पूरा ही मंगल हो जाएगा, व्हाइट पैचेस पूरे दूर करने के लिए वो शीतघन अपना एक लेप आता है, तो शीतघन लेप को उसमें गोधन अर्क में एलोवेरा के जूस में अथवा नीम के पत्तियों का पेस्ट बना करके उसमें लगा लें, एक बार फोले होंगे उसके ऊपर, फिर बाद में ये एलोवेरा जेल लगा लें, एलोवेरा जेल लगा लेंगे और कपालभाति अनुलोम विलोम कर लेंगे, खाली पेट कायाकल्प पट्टी और खाने के बाद नीम गिलोय की गोली, बस इतना सेवन कर लेंगे तो 1 से 3 महीने के अंदर ही व्हाइट पैचेज अच्छे हो जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो भी। ये 100% इसका इलाज है, बस दूध के साथ नमक और रात को दही छाछ ना लें, रात को खाली दूध लें और दूध खाने के 1 घंटे बाद लें, बस दूध के साथ नमक वाली कोई वस्तु ना खाएं, इतना सा परहेज करें, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या व्हाइट पैचेज, लेकिन ये 100% अच्छी होती है। अभी तो हमने तमाम तरह के स्किन प्रॉब्लम्स के लिए खाली पेट डर्माग्रिट और खाने के बाद जिनको सोरायसिस है उनको सोरोगेट और जिनको ये सफ़ेद पैचेज हैं, वाइट पैचेज हैं, जिनको सफ़ेद दाग बोलते हैं, लिकोडर्मा बोलते हैं, ये मिलिनोग्रिट 2-2 गोली खाने के बाद खा लें और मस्त रहें। सभी स्किन प्रॉब्लम्स का मुख्य कारण किडनी, लीवर और ब्रेन के से सिक्रेट होने वाले सब हार्मोन्स, केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के पूरी बॉडी के एंजाइम्स हैं,
तो कपाल भाते अनुलोम विलोम सब करे, अगला प्रश्न ले लो जी। मंगल जी के यहाँ तो मंगल हो जाएगा। अगला सवाल रेखा जी का है। स्वामी जी, रेखा जी पूछ रही हैं कि उनके बाएं पैर में कमर से लेकर एड़ी तक लगातार दर्द बना रहता है, इसके लिए उन्हें क्या उपाय करने चाहिए? कमर से एड़ी तक जो दर्द बना हुआ है, उसके लिए जो है सबसे अच्छी चंद्र प्रभा वटी, हम यही गोलियां देते हैं छोटी छोटी, गोक्षुरादि, चंद्र प्रभा और कैसुर गुगुल, तो मैंने बताया था अभी। ये जो चंद्र प्रभा वटी है, ये चंद्र प्रभा वटी दो दो गोली दोपहर शाम खाने के बाद दे दे, और बहुत ज़्यादा दर्द है तो चंद्र प्रभा के साथ गोक्षुरादि भी दे दें, तो यूरिक एसिड भी दूर हो जाएगा, हड्डियां भी मजबूत हो जाएंगी, वात का प्रशमन पूरा हो जाएगा। तो चंद्र प्रभा और गोक्षुरादि दोनों भी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खाने के बाद ले लें, और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लें, पूरा दर्द एक सप्ताह में पूरा ठीक हो जाएगा। ये 100% आजमाई हुई बात मैं बता रहा हूँ। कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर करें, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खट्टी चीज़ें ना खाएं, एलोवेरा और गिलोय का जूस इसमें सभी के लिए पथ्य है जी। स्वामी जी, अगला सवाल विमला का है। विमला पूछ रही है कि नसों में खिंचाव और मांसपेशियों में भारीपन के साथ ही पैरों में दर्द रहता है और घुटना मुड़ता नहीं है, और ऐसे में कौन से योग करने से उसे ठीक किया जा सकता है? स्वामी जी, अब जो मैं समझ पा रही हूँ, अगर घुटने में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, मुड़ता नहीं है, तब तो बहुत ज्यादा कठिन योगाभ्यास करना तो इनके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। ऐसा देखो, इनके लिए विमला जी के लिए तो ये ऐसे ही बैठे और ऐसे ही बैठे बैठे यही अभ्यास करें, ऐसे कुर्सी पर बैठे ऐसे ऐसे ये करें, ऐसे ऐसे थोड़ा पैर को हिलाने की कोशिश करें। वो सहजने के पत्ते या सहजने की फलियां, सहजनों की कच्ची फलियां, कच्ची फलियों में थोड़ा सा नमक डाल करके और उनको धो लेते हैं तो ज़्यादा कड़वी नहीं लगती है, तो सहजने की फलियां उसकी सब्जी बना करके खाएं। सरगवा का साग तो पूरे देश में खाया जाता है, वो बहुत अच्छा होता है। सहजने के पत्ते और फलियां, फली और पत्ते, इनको उबाल करके पी लें। ऐसे आजकल मोरिंगा टैबलेट भी हम उपलब्ध कराते हैं, वो ज़बरदस्त होती है नसों के दर्द के लिए। मोरिंगा से बढ़िया कुछ भी नहीं होता। और मकई का आटा खाएं, मकई के आटे में थोड़ा सा वो सिंघाड़ा और चौलाई भी मिला लें, तो उससे फिर कैल्शियम की पूर्ति भी पूरी हो जाती है। और इसमें धूप में बैठना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम और बी कॉम्प्लेक्स जो मोरिंगा से मिल जाता है, इनकी भी कमी के कारण से ये नसों में खिंचाव और दर्दें होती हैं। इसलिए मैंने धूप में बैठने से लेकर के B12 के लिए मकई और बी कॉम्प्लेक्स के लिए मोरिंगा, और कैल्शियम के लिए मैंने थोड़ा खाने का आटा बता दिया। कपाल भाते अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम करने से जी। और खाली वो पीड़ान तक क्वाथ पी लें, उसमें निर्गुंडी, रासना, गिलोय सारे वातनाशक द्रव्य हैं। स्वामी जी, अब आपने खाने की बात तो कर ही ली है 100%। तो हम इसी पड़ाव पर आ जाते हैं जहाँ पर खाने पीने की बात होती है, स्वाद भी और सेहत भी की बात होती है। तो स्वामी जी, आज आप हमें क्या सिखाने वाले हैं जिससे वेरिकोस वेन्स की समस्या अगर हो गई है तो निजात मिल जाए और ये खाने के बाद उसे आए ही ना, क्योंकि आपने बताया था कि बादाम अखरोट का पाक आप आज बनाने सिखाने वाले। बिल्कुल मीनाक्षी, और सर्कुलेटरी सिस्टम को हेल्दी और स्ट्रांग ही बनाता है, जैसा कि हमें जानकारी भी मिली है। हाँ स्वामी जी, तो अभी देखो ये तो जोंक, तो जोको ये खून पी करके मोटी हो गई है, एक सैर पर गई हुई है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जोंक को, वैसे तो खून पीने में उसको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी उसका मूड अच्छा नहीं होता है तो 15-20 मिनट लगा देती है। खैर, एक तो ये जो पुनर्नवा मैंने बताया था साठी, उसके पत्ते से लेकर के उसकी जड़ से लेकर उसको पूरा पंचांग उसको उबाल देते हैं। नहीं तो ये जो पीड़ांतक क्वाथ है, पीड़ांतक क्वाथ ये बड़ा ज़बरदस्त है वीरकोज वेंस के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए। सूजन जहाँ ज़्यादा होती है तो उसमें सरुकल्प क्वाथ, जहाँ पेट की बीमारियों के लिए अच्छा होता है वहाँ, इसमें भूमि आंवला, पुनर्नवा और मकोई होती है, तो सूजन को उतारने में ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये सरुकल्प क्वाथ पी लें और ये क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त होगा। फिर दूसरा, 2 चम्मच गाय का घी, ज़्यादा, हाँ घी
दो चम्मच जरूर खाना चाहिए। दो चम्मच गाय का घी लिया। अब हमने थोड़ा सा हलवा ज़्यादा बनाना है इसलिए हम चार चम्मच ले लेते हैं। और इसमें ये अखरोट का पेस्ट, अखरोट रात को भिगो दिया और सुबह उसका पेस्ट बना लिया। ये अखरोट का पेस्ट, ये अखरोट का पेस्ट और ये बादाम का पेस्ट। अब इसको अच्छे से भून लेंगे, जैसे हम सूजी को भूनते हैं ऐसे ही इसको भून लेंगे। और भून करके फिर इसके अंदर जो है, लोग चीनी की चाशनी बनाते हैं, हम लोग खांड और शक्कर की चाशनी बनाते हैं। इसकी खांड और शक्कर की चाशनी बना करके और फिर इसके अंदर डाल देंगे तो बादाम और अखरोट का हलवा बनता है। तो गाय के घी में अच्छे से भून करके, अब आपको इतना अच्छा लग रहा होगा ये टीवी पर, आपको क्या अरे बहुत से घरों में इंडिया टीवी ने लड़ाई करवा दी है, क्यों? बाबा जी ने बताया था आज अखरोट का और बादाम का हलवा बनेगा। अब वैसे ही कोरोना में लोगों की कमाई कम हो गई, अब कहाँ बादाम अखरोट का हलवा बनाए। तो भाई देखो, जो बादाम अखरोट का हलवा ना बना सके, अपने दो दो ऐसे ही चबा लिया करो, ऐसे कढ़ाई भर करके हलवा जो है बाबा जी की तरह ना बनाया करें और घरों में झगड़ा ना किया करें। बाकी हाँ, इसके लाभ बहुत हैं, इससे ताकत पूरी मिलती है और सेहत पूरी बनती है और स्वाद भी पूरा मिलता है। स्वामी जी, मैं इसको बना करके तैयार करता हूँ। स्वामी जी जल्दी से हम बता देते हैं, और सेहत भी जी, हम जल्दी से बता देते हैं कि कल क्या खास आप हमें सिखाने वाले हैं। कल स्वामी रामदेव बताएंगे डेल्टा प्लस के खतरे के बीच किडनी में कैसे बचाएं, किडनी में सूजन, इन्फेक्शन और पथरी का क्या है यौगिक सॉल्यूशन, डायलिसिस ट्रांसप्लांट की नौबत ही ना आए, योग से किडनी को कैसे मजबूत बनाएं। कल जरूर सीखिए और हमारे साथ जरूर जुड़िए 7:57 पर स्वामी रामदेव की इस स्पेशल योग क्लास में। जी स्वामी जी, तो ये भूमि आंवला पुनर्नवा मकोए हम ताजी मिल जाए तो सबसे अच्छा, ताजे का तो रसी निकाल करके पी लेते हैं, उससे पूरी तरह से वेरिकोज विंसम निजात पा लेते हैं। और ये जो मैंने बताया अभी आपको, बादाम अखरोट का हलवा अच्छे से भून करके और फिर शक्कर की चाशनी इसमें मिला करके अब और इसको खा लें और ये 5-7 दिन तक भी खराब नहीं होता है। मैं और ज्योत्सना देखकर इसका स्वाद लेते हैं और आप वहाँ पर मौजूद लोगों को खिलाकर इसका प्रसाद जो है बांटिए और वेरिकोस वेंस की समस्या दूर करें। स्वामी जी, आज के इस क्लास के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। यहाँ सभी प्रसाद मांगने लग गए हैं तो सबको प्रसाद मिलेगा और प्रसाद पूरा ना मिले तो सुगंध पूरी मिलेगी। बहुत-बहुत प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।